वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा जो प्री डीएलएड का एग्जाम दे चुके हैं और काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं या काउंसलिंग करवा दी है, लेकिन जो भी लिस्ट आउट अभी होनी है कॉलेज अलॉटमेंट की, तो इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट है। क्या अपडेट है और किस तरीके से आपको ये जो शेड्यूल जारी किया गया नया, वो मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये जो साइट है इस पर पंजीयक शिक्षा विभाग परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर की तरफ से प्री डीएलएड से संबंधित लेटेस्ट जो एडवर्टाइजमेंट है, इसमें एक एडवर्टाइजमेंट है कि काउंसलिंग प्रेफरेंस सिलेक्शन अगेन, और इसमें एक और है कि कॉलेज एडेड लिस्ट टू। तो मैंने पहले जो एक कॉलेज जो ऐड हुए थे उनकी लिस्ट मैंने पहले बता दी थी, अब एक नया अपडेट और है कि दो जो कॉलेज है वो और जुड़े हैं। हनुमानगढ़ का एसवीजी मेमोरियल टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज हनुमानगढ़, इसमें 100 सीटें हैं। इसके अलावा पाली का भारतीय विद्या मंदिर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चिमनपुरा पाली, ये दो जो कॉलेज है इसमें 50 सीटें हैं और इसमें 100 यानी 150 सीटें हैं वो एक्स्ट्रा डीएलएड में हो गई है। तो दो वर्षीय काउंसलिंग के लिए इसलिए इनको संस्थाओं को जोड़ने के कारण इसकी जो डेट और जो भी शेड्यूल है वो चेंज हुआ है। अब पूरा लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है, ये जो नोटिफिकेशन है काउंसलिंग प्रिफरेंस सेक्शन सिलेक्शन अगेन, इस पे आपको मैं बताता हूँ क्या अपडेट है। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये 9/1/2022 का महत्वपूर्ण अपडेट है अभ्यर्थियों के लिए। महत्वपूर्ण सूचना प्री डीएलएड 2022 तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन एवं शासन के आदेशों के अनुपालन में सत्र 2022-23 में नवीन निजी अध्यापक शिक्षा संस्थाओं यानी जो एसटीसी के जो प्राइवेट कॉलेज है उनको मान्यता मिलने के कारण उनको काउंसलिंग में शामिल किया गया और सम्मिलित करने के निर्देश मिलने के उपरांत प्रथम चरण का संशोधित काउंसलिंग कैलेंडर जारी किया जाता है। यानी काउंसलिंग हो चुकी है, दो बार उसकी डेट भी चेंज आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें काउंसलिंग का मौका दिया है। तो क्या क्या अपडेट है और कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो पहला तो है कि काउंसलिंग में सम्मिलित नवीन अध्यापक संस्थाओं द्वारा प्रोफाइल अपडेट करना, ये 9/1/2022 तक था यानी कल तक ये अपडेट करने का काम इन जो भी कॉलेज थे इनकी तरफ से था। अब जो नया इसमें शेड्यूल आया है कि काउंसलिंग पंजीयन शुल्क 3,000 रुपये का भुगतान ई मित्र, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के अतिरिक्त चालान के माध्यम से बैंक के द्वारा केवल नए अभ्यर्थियों के लिए, और जो पूर्व में पंजीयन करवा चुके हैं उन्हें पंजीयन शुल्क जमा करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अभी भी कोई ऐसा कैंडिडेट रह गया है जिसने मान लो थोड़े से नंबर कम हो उसके प्री डीएलएड के और काउंसलिंग नहीं करवाई और अब इच्छा हो काउंसलिंग करवाने, क्योंकि कॉलेजों की संख्या बढ़ रही है और तो कॉलेजों की संख्या जैसे ही आप बढ़ेगी या तो मेरिट है वो कम जाएगी तो कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए ये मौका उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाई है वो 10 तारीख से लेकर 12 तारीख तक यानी कि कल से आज और कल तक 3 दिन में 3,000 रुपये का जो भी पंजीयन शुल्क है वो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, किसी भी ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएं और उसके बाद काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। दूसरा, जिन्होंने पूर्व में काउंसलिंग में भाग लिया है, 3,000 रुपये का भुगतान कर दिया है, उनको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनके लिए भी एक विकल्प है कि अगर जो नए कॉलेज जुड़े हुए हैं उनमें भी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं या उन अपनी चॉइस में उनको ऐड करवाना चाहते हैं तो उनको मौका है। वो कैसे है कि अध्यापक शिक्षा संस्थान या संस्थान में प्रवेश के लिए ऑनलाइन सूची के अनुसार विकल्प देना 10/1 से 13/1 तक, यानी आपने पहले से भरा हुआ है काउंसलिंग का जो भी ये काउंसलिंग आपने करवाई है, लेकिन फिर भी अभी भी आप अगर काउंसलिंग में चेंज करवाना चाहते हैं तो आप ये अपडेट करवा सकते हैं, अपनी चॉइस है इसमें ऐड करवा सकते हैं। अब इसके बाद में जो नोट दिया हुआ है कि उपयुक्त संस्थाओं के लिए ऑनलाइन विकल्प देने हैं तो पूर्व में विकल्प लॉक कर चुके सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके लॉक किए गए विकल्पों को पुनः अनलॉक किया जा रहा है। यानी कि आपने अगर पहले काउंसलिंग करवा ली है, आपने जो भी चॉइस भर दी थी, चॉइस लॉक कर दी है, लेकिन आप चाहते हैं कि जो नए कॉलेज अलॉट हुए हैं उनमें भी आप चॉइस भरें या उनको भी अपनी चॉइस में शामिल करें तो आप दोबारा कर सकते हैं और उक्त अभ्यर्थी को अधिकृत वेबसाइट जो बोर्ड की वेबसाइट है इस पर जाकर नए अध्यापक संस्थानों को जोड़ते हुए विकल्प संशोधन की सुविधा दी जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। अब मैं एक कोशिश करता हूँ, अगर किसी कैंडिडेट का जो लॉक किया हुआ प्रोफाइल अगर वो होता है तो मैं आपको अलग से वीडियो करके बता दूंगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण अपडेट थी कि आप जैसे ही इसमें लॉगिन करेंगे स्टूडेंट जो काउंसलिंग लॉगिन में तो आपके जो लॉक किया हुआ ऑप्शन था वो अनलॉक हो गया है और आप जो नए कॉलेज अलॉट हुए हैं आपके अगर आसपास का कोई कॉलेज है और आप उसमें चाहते हैं तो आप उसमें अपनी जो भी चॉइस है वो भर सकते हैं। अब कौन कौन से कॉलेज जो जुड़े हैं, एक तो दो तो ये कॉलेज हनुमानगढ़ और पाली का, इसके अलावा
जो न्यू कॉलेज एडेड लिस्ट की एक और लिस्ट आई थी, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ उसमें कौन कौन से कॉलेज है। तो इसमें जैसे ये पहले मैंने एक वीडियो करके बताया था, ये जैसे 23-12 को चूरू, जयपुर, 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 झालावाड़, झालावाड़, झुंझुनू, सीकर और सीकर, यानी ये 10 कॉलेज नए जुड़े से, जिनमें काफ़ी अच्छी संख्या में 100 अधिक संख्या में 100 और एक सिर्फ एक जो था झालावाड़ का उसमें 50 की इनटेक थी और बाकी में सभी में 100 100 सीटें हैं। तो काफ़ी सीटें बढ़ गई है, तो प्री डीएलएड में जो भी आपकी चांसेज है आपका सिलेक्शन होने के वो बढ़ गए हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि इनमें से आपका कोई भी कॉलेज आपके नज़दीक हो, या तो ये इन जिलों के या अभी जो मैंने आपको बताया कि हनुमानगढ़ और पाली के, तो आप अपनी जो नई चॉइस है उसमें आप इसको अपडेट करवा सकते हैं अपनी चॉइस को। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। इस संबंध में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं यथासंभव उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। और अधिक से अधिक अपने साथियों को जिन्होंने प्री डीएलएड की परीक्षा दी और अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाई, उनको ये जरूर वीडियो शेयर करें ताकि वो भी 12 तारीख तक अपनी जो भी निर्धारित पंजीयन शुल्क 3,000 रुपये जमा करा करके काउंसलिंग में भाग ले सकें और अपना जो विकल्प है उसको अनलॉक करने की या जो चॉइस बनने की अंतिम तारीख है वो 13-1 है। तो 2 दिन का समय अभी भी आपके पास में, आज समय 3 दिन का। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी, आशा करता हूँ जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।